16 रेडर्स, 16 डिफेंडर्स और 4 ऑलराउंडर्स सिलेक्ट हुए हैं आने वाले बड़े इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स के लिए। वेल, इस प्रोबेबल इंडियन कोचिंग कैंप लिस्ट में कई सारे बड़े स्टार प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे पवन सहरावत, अर्जुन देसवाल, सुरजीत सिंह एंड असलम इनामदार। पर वहीं पे दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे डिजर्विंग खिलाड़ी भी दिखेंगे जिन्हें शायद नजरअंदाज किया गया सिलेक्टर्स के द्वारा। इस वीडियो में आपको उन 36 खिलाड़ियों के नाम जानने को मिलेगा जिन्हें 3 मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने चुना है। उन प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया है, साथ ही में वो प्लेयर्स क्या अब अपकमिंग इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया की तरफ से। वीडियो को पूरा देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले उन 36 खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें पिक किया गया है इंडियन टीम कोचिंग कैंप के लिए। रेडर्स के साथ शुरुआत करते हैं तो टोटल 16 रेडर्स यहां पे पिक हुए हैं। पवन कुमार सहरावत, अर्जुन देसवाल, आशु मलिक, राहुल चौधरी, पंकज मोहिते, गुमान सिंह, विनय तेवतिया, राकेश सुंगरोया, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, जय भगवान, संदीप कुमार, भवानी राजपूत, गगन गौड़ा, केशव कुमार एंड शुभम। ये 16 रेडर्स यहाँ पे पिक हुए हैं इंडियन टीम कोचिंग कैंप के लिए। डिफेंडर्स की बात की जाए तो डिफेंडर्स में हमें राइट कवर पोजीशन के 4 डिफेंडर्स देखने को मिल जाएंगे, मोहित नांदल, सुरजीत सिंह, अभिनेश नदराजन एंड मयूर कदम। लेफ्ट कवर पोजीशन के भी 4 डिफेंडर्स देखने को मिल जाएंगे, जयदीप दहिया, संकेत सावंत, महेंद्र सिंह एंड अरकम शेख। राइट कॉर्नर पोजीशन के भी हमें 4 डिफेंडर्स देखने को मिल जाएंगे, नितेश कुमार, राहुल सेतपाल, कृष्ण धूल एंड गौरव खत्री। लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के भी 4 डिफेंडर्स देखने को मिल जाएंगे, सुमित सांगवान, अंकित जागलान, जितेंद्र यादव एंड सुरेंद्र। तो यहाँ पे हमें बैलेंस 4-4 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है हर एक डिफेंस पोजीशन पे, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एंड 4 ऑलराउंडर्स भी यहाँ पे पिक हुए हैं, असलम इनामदार, मोहित गोयत, नीरज नरवाल एंड नरेंद्र कंडोला पिक हुए हैं अंडर ऑलराउंडर कैटेगरी में। तो ये टोटल 36 प्लेयर्स का लिस्ट है जिन्हें इंडियन टीम कोचिंग कैंप के लिए पिक किया गया है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स से या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर यहाँ पे हम दे देते। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो 3 मेंबर्स कौन है जो कि ये प्लेयर्स को सिलेक्ट किए गए। तो यहाँ पे 1 महीने पहले ही एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन यानी कि AKFI ने अपॉइंट किया है। मार्च में ये अपडेट आया था एंड इंडियन कबड्डी टीम के सिलेक्शन के लिए ही इन 3 कोचेस का चयन किया गया ताकि प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हो एंड आगे जाके इंडियन कबड्डी टीम फाइनल हो। उन कोचेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रणधीर सिंह सहरावत सर है जो कि अर्जुन अवार्डी कोच है। दूसरा यहाँ पे मनप्रीत सिंह सर है जो कि ध्यानचंद अवार्डी कोच है। एंड तीसरा यहाँ पे अशोक शिंदे सर है जो कि यहाँ पे अर्जुन अवार्डी कोच है। तो 3 काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कोचेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द सिलेक्शन कमिटी फॉर द इंडियन कबड्डी टीम। ये अपडेट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था अपने टेलीग्राम पेज पे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फास्टेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 का एंड इंटरनेशनल कबड्डी का। कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आते वो भी हम शेयर कर रहे हैं। एंड कल ही के दिन यहाँ पे हमने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का पूरा कैलेंडर शेयर किया है जो 2024-2025 के लिए रहने वाला है, कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले। तो आपने ज्वाइन किया है तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको चैनल पे पिन पोस्ट पे देखने को मिल जाएगा IKF का फुल शेड्यूल एंड कुछ बड़े अपडेट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @SportsNiff7 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे ये होगा कि जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे किस बेसिस पे हुआ। तो अभी रिसेंटली 70th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था तो उसी के लिए यहाँ पे ये 3 कोचेस यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे एज अ सिलेक्शन कमिटी। एंड इनका काम यही था कि जो अभी सीनियर नेशनल गेम्स हुए थे उसको अच्छे से देखे, स्काउटिंग करे एंड प्लेयर्स को यहाँ पे पिक करे। तो उसी के बेसिस पे जो 36 प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए हैं। एंड इससे एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी आप सभी को मिल गया होगा कि आखिर प्रदीप नरवाल, नवीन कुमार, मनिंदर सिंह एंड सचिन तन्वर को क्यों पिक नहीं किया गया सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे 17 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप नहीं खेले थे, यानी कि जो रिस्पेक्टिव टीम्स थे उन्होंने पिक नहीं किया था। कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ प्लेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं थे एंड कुछ प्लेयर्स यहाँ पे इंजर्ड थे, जैसे कि यहाँ पे नवीन कुमार थे। एंड जब आप सीनियर नेशनल खेलोगे नहीं तो आप कैसे पिक होगे। तो ये
बड़ा कारण था जिसके कारण यहाँ पे इन 36 खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको प्रदीप नरवाल, नवीन कुमार, मनिंदर सिंह एंड सचिन तनवर देखने को नहीं मिलेंगे। एंड क्या ये अब इंडियन कबड्डी टीम में नहीं खेलेंगे, इस पे थोड़ी देर में हम बात करने वाले। इससे पहले जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उनके कुछ टॉप प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे नजर डाल लेते। रीडर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे पवन कुमार सहरावत काफी अच्छा खेले, चंडीगढ़ के टीम की तरफ से खेले थे। 6 मैचेस में 31 रेट पॉइंट्स, 11 टैकल पॉइंट्स स्कोर किए, 1 मैच में सुपर 10 भी इन्होंने स्कोर किया एंड इनकी जो टीम थी चंडीगढ़ वो यहाँ पे सेमीफाइनल्स तक भी गई। दूसरे यहाँ पे आसू मलिक प्रो कबड्डी में भी काफी अच्छा खेला एंड सीनियर नेशनल में भी काफी अच्छा खेला। उनकी जो टीम थी हरियाणा वो यहाँ पे चैंपियन भी बनी। आसू मलिक ने इस सीनियर नेशनल गेम्स में 7 मैच में 45 रेट पॉइंट स्कोर किया, 2 मैच में सुपर 10 भी स्कोर किया। फिर यहाँ पे राहुल चौधरी है जो कि उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से खेले, दिल्ली के अगेंस्ट 19 रेट पॉइंट स्कोर किया था जिसमें 16 रेट पॉइंट्स एंड 3 टैकल पॉइंट्स, ओवरऑल काफी अच्छा खेला, लेकिन जो इनकी टीम थी वो यहाँ पे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। अगले यहाँ पे पंकज मोहिते जो कि इंडियन रेलवेज की टीम की तरफ से खेले एंड इंडियन रेलवेज इस सीनियर नेशनल गेम्स में रनर अप टीम थी एंड पंकज मोहिते ने 6 मैचेस में 43 रेट पॉइंट स्कोर किया एंड 2 मैच में इन्होंने सुपर 10 भी स्कोर किया। राकेश सुंगरा जो कि चंडीगढ़ की टीम की तरफ से थे 6 मैचेस में 46 रेट पॉइंट्स, 3 मैच में सुपर 10 स्कोर किया। आकाश शिंदे जो कि महाराष्ट्र की टीम की तरफ से खेले 5 मैच में 47 रेट पॉइंट्स, 3 मैच में इन्होंने सुपर 10 भी स्कोर किया। जय भगवान जो कि राजस्थान की टीम में थे, राजस्थान की टीम में कोई ऐसे सीनियर प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिले। सचिन तनवर भी नहीं थे तभी भी काफ़ी अच्छा खेले, 5 मैच में 79 रेट पॉइंट्स, 5 मैच में सुपर 10 भी स्कोर किया, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इनसे देखने को मिला। स्पेशली तमिलनाडु के अगेंस्ट इन्होंने 21 रेट पॉइंट स्कोर किया था। फिर यहाँ पे संदीप कुमार पटना पायरेट्स के बिहार की टीम की तरफ से खेले, मणिपुर के अगेंस्ट 17 रेट पॉइंट्स का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। एक नया नाम देखने को मिल रहा है केशव कुमार जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं एंड 3 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। त्रिपुरा के अगेंस्ट 18 रेट पॉइंट्स, उत्तराखंड के अगेंस्ट यहाँ पे 14 रेट पॉइंट्स एंड हरियाणा के अगेंस्ट 15 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ये कुछ रेडर्स के टॉप परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले जो मैंने आपको बता दिया। वहीं पर डिफेंडर्स की बात की जाए तो मोहित नांदल हरियाणा से उत्तराखंड के अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया। सुरजीत सिंह एक मुकाबले में 5 टैकल पॉइंट स्कोर किए। अभिनेश नदराजन मध्य प्रदेश के अगेंस्ट इन्होंने 8 टैकल पॉइंट स्कोर किया। संकेत सावंत दिल्ली के अगेंस्ट 8 टैकल पॉइंट, कृष्ण धुल यहाँ पे उत्तराखंड के अगेंस्ट 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया एंड जितेंद्र यादव जो कि राजस्थान की टीम की तरफ से खेले, तमिलनाडु के अगेंस्ट इन्होंने 10 टैकल पॉइंट स्कोर किया। एंड ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो असलम इनामदार जो कि महाराष्ट्र की टीम की तरफ से खेले, 5 मैच में 38 रेट पॉइंट्स, 11 टैकल पॉइंट्स, 2 मैच में सुपर 10 भी हमें इनसे देखने को मिला। मोहित गोया जो कि हरियाणा की टीम की तरफ से खेले, चैंपियन भी बनी हरियाणा की टीम, 7 मैच में 39 रेट पॉइंट्स एंड 8 टैकल पॉइंट्स भी हमें देखने को मिला। नीरज नरवाल भी काफ़ी अच्छा खेले जो कि गोवा की टीम की तरफ से खेले, मणिपुर के अगेंस्ट 17 रेट पॉइंट्स एंड बिहार के अगेंस्ट 20 रेट पॉइंट्स का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। एंड नरेंद्र कंडोला जो कि चंडीगढ़ के टीम में थे, 6 मैचेस में 42 रेट पॉइंट स्कोर किया एंड जिसमें 2 सुपर 10 भी शामिल थे। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए एंड डिजर्विंग भी थे, इनको सिलेक्ट करना चाहिए था एंड सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट भी किया है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम से जो यहाँ पे मिसिंग है इस लिस्ट में, इवन दो यहाँ पे 17th सीनियर नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तभी भी इनका नाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे नाम से सबसे पहले यहाँ पे सुनील कुमार एंड परवेश भैंसवाल है, वन ऑफ द बेस्ट कवर डुओज आप कह सकते हो कबड्डी का एंड हमें इंडियन कबड्डी टीम में इनका डुओ भी देखने को मिला है। लेकिन आप कह सकते हो कि इस बार हमें या फिर अपकमिंग इंटरनेशनल मैचेस में हमें इनका डुओ देखने को नहीं मिलेगा, सिलेक्टर्स ने इनको पिक नहीं किया, इवन दो इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन तभी भी इनको इग्नोर किया गया। इनके जगह पे बाकी अल्टरनेटिव यहाँ पे डिफेंडर्स को सिलेक्ट किया गया है। दूसरे यहाँ पे डिजर्विंग प्लेयर थे जिनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया मुझे नहीं पता, नितिन धांगकर काफ़ी अच्छे प्लेयर है, बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से खेले थे एंड सीनियर नेशनल्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैं आपको बता दूं इस सीनियर नेशनल्स में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, 7 मैच में 58 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगर आपने टूर्नामेंट को फॉलो किया है तो आपको पता होगा सेमीफाइनल 2 के हीरो थे, काफ़ी बड़ा नॉक हमें देखने को मिला, 17 रेट पॉइंट स्कोर किया, वो भी किस टीम के अगेंस्ट, महाराष्ट्र की टीम के अगेंस्ट,
एंड उस मुकाबले को जिताया। वो मुकाबला हरियाणा की टीम एक पॉइंट से जीती एंड ये परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलता इनकी तरफ से, तो हरियाणा की टीम शायद से चैंपियन नहीं बनती। तो ये प्लेयर्स कोचिंग कैंप में जो जगह था वो यहाँ पे डिजर्व करते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। ऐसे और भी ऐसे नाम से जिनको यहाँ पे इग्नोर किया गया, जैसे कि यहाँ पे सुधाकर हो गए जो काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन सीरियसली आपने नितिन को सिलेक्ट नहीं किया एंड कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो ओवरऑल डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिखाया, उनको यहाँ पे जगह मिल गया इंडियन कबड्डी टीम कोचिंग कैंप में। नाउ बिफोर मूविंग टू फ्यू मोर क्वेश्चंस, मुझे आप सभी को एक बढ़िया टेलीग्राम पेज के बारे में बताना है। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल चल रहा है एंड आईपीएल के अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल बेस्ट चैनल है प्रेडिक्शन के मामले में, जहां पे आपको काफी अच्छे एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी कल ही चेन्नई सुपर किंग्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला था, उसमें एलएससी को प्रेडिक्ट किया था एंड वैसा ही हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम वो मुकाबला जीत गई। एंड ऐसे ही आपको और भी अमेजिंग प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को, चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो अब बढ़ते हैं यहाँ पे आखिरी सवाल की तरफ, जो कि ये है कि जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए क्या वो अब इंडियन कबड्डी टीम में सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। इसका आंसर दो है, यस भी है और नो भी है। नो उन प्लेयर्स के लिए जो इंजर्ड थे या फिर किसी रीजंस के कारण 17th नेशनल गेम्स नहीं खेल पाए थे। एग्जांपल यहाँ पे नवीन कुमार है, अगर वो फुल्ली फिट होते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन कबड्डी टीम के लिए सिलेक्ट हो गए। लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोचेस ने ऑलरेडी इंडियन कबड्डी टीम को एक नए तरीके से बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया विद फ्रेश प्लेयर्स। जैसे कि आप देख ही सकते हो कुछ नए नए नाम हमें देखने को मिल रहे हैं एंड आप कह सकते हो कि कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमें इंडियन कबड्डी टीम में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि सुनील परवेश की जोड़ी, दीपक निवास हुड्डा, ना ही प्रदीप नरवाल देखने को मिलेंगे एंड मे बी मनिंदर सिंह को भी इंडियन कबड्डी टीम में सिलेक्ट ना किया जाए। एज ऑफ नाउ हमें यही देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ कोचेस हमें देखने को मिले, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। अब कोचेस क्या कुक कर रहे हैं यहाँ पे अपने दिमाग में वो तो उनको ही पता होगा, बस उम्मीद करते अच्छे सिलेक्शन की। अब इतना ही कहना चाहता हूँ एंड इस लिस्ट में हमें कुछ ज़्यादा वीकनेसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डिफेंस लाइनअप में कुछ ऐसे वीकनेसेस है जिन्हें कोचेस यहाँ पे सुधारने को देखेगी। अगर इस चीज पे डिस्कशन अभी स्टार्ट किया जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा बन चुका है एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पे भी वीडियो बनाओ तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा, अगर ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं तो इस पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस सिलेक्शन के ऊपर, आपकी क्या आइडियल स्टार्टिंग सेवन हो सकती है इस लिस्ट से, इन 36 खिलाड़ियों से? आप अपना कबड्डी का नॉलेज स्किल्स दिखाइए कमेंट सेक्शन में। यहां तक वीडियो देख लिया, आप सभी को दिल से थैंक यू कबड्डी को इतना सपोर्ट देने के लिए। बाकी प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन कब हो सकता है अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो प्रो कबड्डी सीजन 11 के रिलेटेड, तो इस पे भी वीडियो बनाया है, क्लिक कीजिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन सीजन 11 के रिलेटेड जानने को मिल जाएगा। तब तक मिलता हूँ उसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।